नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अविघ्न फूड बुक में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पनीर। यदि आपको चिली पनीर पसंद है तो आप मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर करें। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चिली पनीर बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है 400 ग्राम पनीर, 2 टमाटर, ये आप इसकी जगह शिमला मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, रेड शिमला मिर्च का, लेकिन मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं थे तो मैं रेड टमाटर का यूज कर रही हूँ। 2 ग्रीन शिमला मिर्च कटी हुई है, मैंने इस तरह से देखिए इसको चॉप कर रखा है। 2 मीडियम आकार के प्याज हैं, पानी है थोड़ा सा, 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल है, 4 बड़े चम्मच टमाटो सॉस, 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चीनी, ये 1 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, ये 2 हरी मिर्च कटी हुई हैं, ये नमक स्वाद अनुसार, और ये 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। चिली पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को कॉर्नफ्लोर में कोट कर लेंगे। एक प्लेट यूज करेंगे, इस पर थोड़ा सा हम ये कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसमें पनीर को इस तरह से कोट करके रखते जाएंगे। एक साइड से हम रख लेंगे, इस तरह से पनीर को हम इसमें कोट कर लेंगे। अब ये पनीर हमने कॉर्नफ्लोर में कोट करके इस तरह से रख लिया। अब ऑयल, इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे पैन कढ़ाई में। पैन गैस पे गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये जो हमने पनीर को कॉर्नफ्लोर में कोट किया था, अब धीरे धीरे इसमें डाल के हम तल लेंगे। देखिए मैं इसमें इन पनीर के टुकड़ों को तल रही हूँ। आप चाहे तो इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए इनको हमें इस तरह से तल लेना है। अभी हमारे हल्के हल्के देखिए इस पर देखिए ये सिकने लगे। इसी तरह से हम सारे पनीर के टुकड़ों को पलट कर सेक लेंगे। देखिए हमारे ये पनीर के टुकड़े फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम धीरे से किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से ये इनको हल्का सा केवल हमें फ्राई करना है। देखिए कलर देखिए, मुझे इस तरह से इसको फ्राई करना है। अब इनको हम एक अलग प्लेट पर निकाले लेते हैं। इसी तरह से हम और पनीर बचा हुआ है उसको भी फ्राई कर लेंगे। हमारे पनीर हमने तल लिए हैं। अब हम इसका जो ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल है, इसको हम किसी पैन में निकाल देंगे। हमें इतने ऑयल की ज़रूरत नहीं है, वो तो इसको थोड़ा सा हम इसमें निकाल देते हैं। बस इतना ही ऑयल हम इसमें रखेंगे। अब इसमें हम ये जो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था इसको डाल देंगे और हल्का सा सॉटे करेंगे। इसमें ये ग्रीन चिली भी डाल के सॉटे कर लेंगे। हमें अदरक लहसुन का और ग्रीन चिली के पेस्ट को ज़्यादा सॉटे नहीं करना है, बस हमें मिनिमम 15 to 20 सेकेंड ही सॉटे करना है। इसके बाद हम इसमें ये जो प्याज हमने चॉप्ड किया हुआ था इसको ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम ये शिमला मिर्च जो काटी हुई थी उसको भी डाल के तल लेंगे। हल्का सा करना है, इससे थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर इसका बना रहे। 1 मिनट के लिए इसको भी भूनेंगे। अब इसमें हम ये टमाटर जो हमने लिए हैं इनको ऐड करके अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे। इनको भी हमें 1 मिनट तक के लिए करना है। ध्यान रखिए बस हमें इनको
केवल एक मिनट के लिए और करना, ज़्यादा पकाना नहीं है इन्हें। अब इसमें ये जो हमने चिली का पाउडर लिया था इसको ऐड कर देंगे, काली मिर्च को भी ऐड कर देंगे इसमें। इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। इसमें अब टमाटो सॉस ऐड करेंगे। अब इसमें हम ये सोया सॉस मिला देंगे। ये इसमें हम चिली सॉस मिला देंगे। इसमें ये विनेगर मिला देंगे। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। आपको ये याद रखना है कि सोया सॉस में और चिली सॉस में हल्का सा नमक होता है, इसलिए आप अपने थोड़ा सा अंदाज से नमक डालिए स्वाद के अनुसार, ज़्यादा नमक ना हो जाए। इसको मिला इस तरह से मिलाते रहेंगे जब तक हमारा ये यहाँ पक रहा है, तब तक हम जो हमारा कॉर्नफ्लोर बचा हुआ था उसको हम घोल लेंगे। इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। जब तक वो हमारा उधर तैयार हो रहा है तब तक हम इसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अब हम इसमें ये पेस्ट जो हमने तैयार किया था इसको ऐड करेंगे और इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। ध्यान रखिए जल्दी जल्दी आपको चलाना है जिससे इसमें लम्स ना पड़े। अब इसमें हम ये पनीर के जो हमने पनीर फ्राई किया था इसको ऐड करके अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसमें सबसे लास्ट में हम इसमें चीनी का ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। ये हमारा चिली पनीर रेडी है। अब इसको हम किसी बाउल में निकाल लेंगे। हम गैस को ऑफ किए देते हैं। अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। हमारा चिली पनीर अब तैयार है। इसे आप फ्राइड राइस या फिर नूडल्स के साथ भी खा सकते हैं। ये नूडल्स के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। यदि आप इसे सूखा भी खाना चाहें बिना नूडल्स के या बिना राइस के, उससे भी आप खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे और टेस्टी लगते हैं।